समस्तीपुर शिक्षा विभाग के द्वारा जारी निर्देश से मध्याह्न भोजन में शुक्रवार को हर थाली में मिलेगा अंडा। इस आदेश को लेकर शिक्षकों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कल्याणपुर प्रखंड के कोयला कुंड राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय में बच्चों को ठीक से मध्याह्न भोजन नहीं मिल पाता है, उसके बावजूद शुक्रवार को अंडा देने का आदेश देकर शिक्षकों में आक्रोश भर दिया गया है। इस स्कूल में 800 बच्चों का नामांकन है। वर्ग एक से लेकर आठवीं कक्षा तक की पढ़ाई होती है। शहर से अधिक दूरी होने के कारण सामान महंगा मिलता है और बच्चों को मध्याह्न भोजन ठीक से नहीं मिल पाता है। स्कूल के प्रधानाध्यापक विमल झा का बताना है कि शिक्षा विभाग पहले से ही मध्याह्न भोजन में कम पैसा देती है, जिसमें दाल सब्जी तेल में पैसा पूरा होता ही नहीं है। बच्चों को अंडा कहाँ से दूं? खाना पूर्ति के लिए अंडा के बदले सेव दिया जा रहा है। कल्याणपुर से डी न्यूज़ के लिए सुमन की रिपोर्ट। और अंडा अब 8 रुपये और ट्रे में भी ज्यादा पैसा लगता है, इसीलिए हम लोगों को सेव मिला गया है। तो ये बात तो सरकार जानेगी और आपके शिक्षक जानेंगे आपको अंडा देना है तो फिर सेव क्यों? क्योंकि अंडा का ज्यादा दाम है, 8 रुपये पड़ रहा है और सर को अपना जेबी से पैसा लगेगा, इसीलिए आप लोगों को सेव किया। यस सर। अनिशा कुमारी, उत्क्रमित मध्य विद्यालय। परेशानी है कि 5 रुपये सरकार के द्वारा निर्धारित है, लेकिन अभी हमको बाजार मूल्य में 7 रुपये अंडा मिल रहा है और उसको लाने के लिए शिक्षक क्या कहते हैं बाधित होते हैं, पढ़ाई में बच्चे बाधित होते हैं ये अंडा खरीदने और फल लाने में, यही हमारी परेशानी है। और 5 रुपये में कभी कहीं अंडा नहीं मिलता है, देने में हम लोग सक्षम नहीं है। क्या कहेंगे सरकार से? सरकार से कहेंगे कि सरकार अपना व्यवस्था कर दे, जितना बच्चा है वो अंडा उपलब्ध करा दे हमारे विद्यालय में, हमको पैसे की कोई आवश्यकता नहीं है, पैसा हमें नहीं चाहिए, बॉयल इन अंडा वो भेज दे विद्यालय में। हाँ तो परेशान तो है ही, सामान खरीदना पड़ता है, महंगा तो पड़ता ही है, जो सरकार रेट बांधे हुए है उस रेट में हमको न दाल मिलता है न सब्जी मिलता है, दाल सब्जी कुछ नहीं मिलता है हमको उस रेट में, न तेल मिलता है। 100 रुपये का रेट निर्धारित है, अभी 120 रुपये में कोई दुकानदार हमको तेल नहीं दे सकता है कि नहीं है। 60 रुपये दाल कहता है या 50 रुपये चना कहता है, तो 50 रुपये में हमको चना अभी नहीं मिल रहा है, 60 रुपये में दाल मिश्रित दाल कहता है तो मिला जुला करके हम गांव में अभी यदि मसूर का दाल मंगावे तो 70 रुपये किलो देते हैं कि नहीं है। 100 रुपये किलो देंगे हमको, हमको मिलता है यहाँ 60 रुपये के रेट से, 65 रुपये के रेट से। इतनी परेशानियों के बावजूद भी कैसे चला पा रहे हैं? अब तो चलाना, सरकार नौकरी है तो चलाना तो पड़ेगा ही।